चिराग ही घर पर ना हो, जब घर में चांद जैसा दिखने वाला बेटा ही घर के बाहर चार दीवारी के अंदर जेल की सराखों में कैद हो, तो कैसे वो माँ बाप खुशियां मनाएंगे। शादी का त्योहार, जन्मदिन का मौका, करवा चौथ का मौका, नवरात्र का फेस्टिवल, ये सब पूरी तरह से अधूरा और बहुत ही ज्यादा दुख देने वाला इस वक्त खान परिवार के लिए बना है। मन्नत की बात करें तो हमेशा स्वर्ग जैसा सजने वाला मन्नत शाहरुख और गौरी के इस बार सालगिरह पर भी नहीं सजा और ना ही त्योहार पर इन्होंने खुशियां मनाई। इनके लिए पिछले एक महीने से खुशियां मानो दूर सपने की तरह बन गई है। आर्यन खान ड्रग मामले में 5 बार बेल रिजेक्शन का सामना करने के बाद मेंटली किस परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, इसके बारे में शब्दों से नहीं बयां किया जा सकता, क्योंकि आर्थर रोड जेल में अपने माइंड को शांत रखने के लिए रामायण की किताबें, साइंस के बुक्स का सहारा वो ले रहे हैं। हाइजीनिक प्रॉब्लम की वजह से कम पानी पी रहे हैं वो, बिस्किट खाकर वो रातें गुजार रहे हैं। ऐसी स्थिति तेज की उम्र में आर्यन की है। गलती अभी तक साबित नहीं हुई कि वाकई में ड्रग उन्होंने कंज्यूम किया, वो वाकई में ड्रग पेडलर्स और सप्लायर्स के संपर्क में थे, आर्यन खान ड्रग रैकेट का हिस्सा है भी या नहीं। इन सब के साबित होने से पहले ही आर्यन खान की इमेज पर इसका गहरा असर पड़ा है और इससे भी ज्यादा असर पड़ा है माँ के दिल और पिता के दिल में, जो कि इस वक्त पूरी तरह से टूटे हैं। एक उम्मीद ही है आखिरी, जिसकी वजह से 26 तारीख का इन्हें इंतजार है, जब घर पे मनेगा जश्न, आर्यन अगर लौट आए वापस अपने घर जेल से रिहा होकर। फिलहाल आप सभी के बीच लेकर आए हैं करवा चौथ के मौके पर गौरी और शाहरुख की स्थिति कैसी है ये बताने के लिए खास प्रोग्राम। वाकई में गौरी और शाहरुख बहुत परेशान है। वैसे तो इन्होंने कई बातें एक दूसरे को लेकर हमेशा शेयर की है, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि पिछले इस एक महीने, लगभग एक महीने से आर्यन खान की वजह से गौरी और शाहरुख चार दीवारी के अंदर बंद। अगर निकल रहे हैं ये बाहर तो सिर्फ इस वजह से कि ताकि वो अपने बेटे से मिल सके और उन्हें रिहाई दिला सके। आइए जानते हैं क्या स्थिति है मन्नत गौरी खान की। बात हम यहाँ पर हमारी इस खास रिपोर्ट में इसलिए करना चाहेंगे क्योंकि शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन इस वक्त गौरी खान काफी बड़ी मुसीबत में है। करवा चौथ की रात जब पूरा बॉलीवुड धूमधाम से जश्न मना रहा है, गौरी वैसे तो धर्म से हिंदू और इसलिए वो त्योहार को मनाती है, दिवाली का त्योहार हो, गणपति का त्योहार, गणपति पापा के आगमन का त्योहार हो, कोई भी त्योहार में गौरी अपने पति शाहरुख के साथ बड़ी ही धूमधाम से त्योहारों को मनाती आई हैं। लेकिन गौरी खान के लिए अब ये त्योहार खास नहीं। दुर्गा पूजा के मौके पर गौरी खान और शाहरुख खान के घर पर किसी भी तरह का जो है सो मीठा भोजन नहीं बना, क्योंकि शाहरुख के बेटे आर्यन 8 अक्टूबर की तारीख को जेल पहुंचे, आर्थर रोड जेल, और इसके बाद जो है गौरी शाहरुख के घर में काफी परेशानियां हुई। त्योहार दिवाली का तो बड़ा खूबसूरत मनाया जाता है गौरी और शाहरुख के घर पर, लेकिन अफसोस इस साल गौरी शाहरुख के घर पर दिवाली का त्योहार तो तब मनेगा जब घर पर वो बेटे लौट आएंगे, जो कि अभी तक जेल के अंदर ही एक एक रात, एक एक दिन मुसीबत में गुजार रहे हैं। यहाँ बात हम करेंगे करवा चौथ के त्योहार की, तो आपको बता दें इंटीरियर डिजाइनर गौरी खान, जो कि अपो की संपत्ति के मालकिन हैं, अपने पति शाहरुख के साथ त्योहारों के मौके पर इस वक्त काफ़ी इमोशनल हैं, क्योंकि वो घर में बिल्कुल कैद रह रही हैं। जी हाँ, शाहरुख खान, गौरी खान बेटे अब्राम के साथ जो है, छोटे बेटे अब्राम के साथ इस वक्त घर में कैद रह रहे हैं। बाकी बच्चों के साथ वक्त गौरी खान गुजार रही हैं, ताकि वो जो हैं अभी फिलहाल आर्यन खान को जल्द से जल्द घर पर लौटते हुए देखकर खुशियों की शुरुआत नए तरीके से करें। गौरी और शाहरुख जो है त्यौहार तो लक्ष्मी गणेश की पूजन के साथ बड़े ही धूमधाम से हमेशा मनाते आए हैं। कृष्ण भगवान के लिए भी त्यौहार जो होता है, यानी कि बात की जाए जन्माष्टमी की, तो जन्माष्टमी भी शाहरुख गौरी बहुत खास मनाते हैं। करवा चौथ का त्यौहार भी गौरी के लिए बहुत खास है, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि इस बार गौरी खान कोई भी त्यौहार नहीं मना रही है। शादी की सालगिरह है, लेकिन घर पर कोई मीठा भोजन नहीं बन रहा है। गौरी फिलहाल अभी अपने घर पर ही है, अकेली है, सिर्फ हस्बैंड शाहरुख है, बेटे अब्राम हैं,
बेटी सुहाना भी यहाँ पर इंडिया नहीं न्यूयॉर्क में ही अपनी स्टडीज आगे परस्यू कर रही है, जिसके कारण आर्यन खान को लेकर गौरी और शाहरुख एक एक मिनट उनके इंतजार में काट रहे हैं कि कब वो घर लौटेंगे। बता दें हम आपको, वैसे तो कुकिंग का बहुत शौक रखते हैं गौरी खान के हस्बैंड, हमारे फेवरेट शाहरुख खान, लेकिन बात यहाँ पर गौरी खान के घर पर होने वाले फेस्टिवल की जाए। 1 तारीख 2-2 फेस्टिवल है, करवा चौथ का त्यौहार, वो भी पति पत्नी का त्यौहार होता है, और दूसरा है त्यौहार ये खास तौर पर देखा जाए तो स्पेशल उनका शादी का सालगिरह। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि त्यौहार जो है सो इस मौके पर गौरी और शाहरुख नहीं मना रहे हैं, इस त्यौहार पर वो बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, ना वो बॉलीवुड के किसी फंक्शन का हिस्सा बन रहे हैं, ना बॉलीवुड में इस त्यौहार को मनाने पर गौरी शाहरुख एक दूसरे के साथ इस त्यौहार को मना रहे हैं। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे, साल 2020 में करवा चौथ के मौके पर शाहरुख और गौरी का एक दूसरे के लिए तोहफा चर्चा का विषय बना रहा था, स्पेशल वीडियोस उनकी काफ़ी वायरल हुई थी जिसमें इनके स्पेशल मोमेंट्स की काफ़ी तारीफ हुई थी। वेल, इनकी मैजिकल स्टोरी तो सब जानते हैं, शाहरुख जो कि सजने धजने में बहुत समय निकालते हैं ये गौरी खान का कहना है, लेकिन क्या आपको मालूम है शाहरुख का टाइमलेस लव अपनी पत्नी के लिए इस वक्त वही एक ताकत बना है जिसके कारण शाहरुख गौरी एक दूसरे को संभाल रहे हैं। आर्यन खान को 26 अक्टूबर की तारीख को अगर बेल मिल गई तो ये एक बार फिर से त्यौहार को खास तरीके से मना पाएंगे। आने वाले समय में शाहरुख का 2 नवंबर की तारीख को जन्मदिन भी है, लेकिन उनका जन्मदिन तो तब खास होगा जब शाहरुख और गौरी के लाडले बड़े बेटे आर्यन खान घर लौटेंगे। यहाँ हम आपको हमारे इस रिपोर्ट में ये भी बताना चाहेंगे, शायद आपको जानकारी ना हो लेकिन इस वक्त गौरी किसी भी बॉलीवुड सितारे से मिलने से दूरियाँ बना रही हैं, किसी भी सितारों से मिलने के लिए वो तैयार फिलहाल नहीं है, वो फिलहाल अपने घर पर अकेली ही रह रही हैं। गौरी खान अपने बेटे आर्यन को लेकर हमेशा कहती थी कि उन्हें उनका पिता यानी कि शाहरुख खान ही बिगाड़ देंगे। गौरी खान का कहना था कि शाहरुख जो हैं अपने घर पर अपने बेटे को इतना पैम्पर करते हैं, हर चीज़ उनकी एक इशारे पर ऐसे पूरी कर देते हैं कि वो ज़रूर अपने बेटे को बिगाड़ देंगे। आज भले ही शाहरुख खान ट्रोल हो रहे हो, लेकिन आर्यन खान के ड्रग मामले में जेल जाने से उनके ट्रोलिंग का कारण शाहरुख खान ही बने हैं ये तो सबका कहना है, क्योंकि शाहरुख खान के स्टारडम का नतीजा है कि सबसे ज़्यादा हाईलाइट आर्यन खान ही इस मामले पर हो रहे हैं। हमेशा अपनी पत्नी को क्वीन की तरह ट्रीट करने वाले शाहरुख खान ने अपना किंगडम जो है मन्नत में तो बसा रखा है, लेकिन इस वक्त मन्नत पूरी तरह से जो है सो सजने संवरने से बिल्कुल दूर चार दीवारी बनकर रह गया है, जहां पर MCB का आना जाना कभी भी किसी वक्त हो सकता है। ये शाहरुख और गौरी अच्छी तरह से जानते हैं, और ये सब जानते हैं कि शाहरुख और गौरी इस वक्त अपने बेटे को लेकर जिस परेशानी का सामना कर रहे हैं, इसके कारण उनका चैन से रहना तो छोड़िए बाहर निकलना भी बंद हो गया है, जिसके कारण गौरी खान घर पर रहने के लिए अकेली ही रहने के लिए मजबूर हो गई है, और ये वो उनका घर है जहां गौरी कैद है। करवा चौथ का त्यौहार है, लेकिन बॉलीवुड के किसी भी सेलेब्स के घर, बच्चन फैमिली हो, कपूर फैमिली हो, किसी के यहां भी गौरी नहीं जा रही है। तो आपने जाना इस वक्त मन्नत की क्या स्थिति है, मन्नत में कैसा माहौल बना है, मन्नत कितना ज्यादा टूट कर बिखरा हुआ है, मन्नत की चमक मानो आर्यन खान के बेल मिलने को लेकर इंतजार कर रही है दोबारा लौटने की। मन्नत की चमक मानो खो गई है, क्योंकि घर का बेटा ही घर से बाहर है और एक एक मिनट वो कठिनाई से गुजर रहा है। उम्मीद करते हैं कि जल्द आर्यन वापस लौट सके और उन्हें मौका जरूर मिले, अगर उनसे कोई गलती हुई भी है तो। फिलहाल वक्त हो गया है इजाजत लेने का, बॉलीवुड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।